आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। भगवानपुरा में विधायक केदार डावर का हुआ गर्मजोशी के साथ स्वागत, आभार व्यक्त करने पहुंचे जनता के बीच। मंगलवार को विधायक केदार डावर भगवानपुरा में ग्रामीणों का आभार व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डावर का गर्मजोशी एवं पुष्पहारों से स्वागत कर फलों से तुलादान किया, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। आभार व्यक्त कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक को फूलमाला पहनाई। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया, अब जो रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करना पहली प्राथमिकता है। मुख्यालय पर कॉलेज के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है, जल्द ही निर्माण भी होगा। SDM कोर्ट की मांग मैंने पिछले विधायक कार्यकाल में उठाई थी, इस बार स्वीकृत कराने के लिए प्रयासरत रहूंगा। साथ ही विधायक ने पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे आदि मुद्दों पर काम करने की बात कही। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल, रायला बिलोरे, रेसला ब्राह्मणे, हीरालाल चौधरी, माल सिंह अवासे, कुलदीप चौहान, राजेश मंडलोई, जयपाल मंडलोई, अकलीम शेख, शंकर मालविया, राजेश बढ़ोले सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और ग्रामीण जन मौजूद रहे। भगवानपुरा से विजय पाटिल की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य कुलदीप चौहान से निवेदन करूंगा कि वे विधायक महोदय का स्वागत करें। पिछले चुनाव में हमारा कॉलेज मुद्दा था कि कॉलेज यहां खुलवाना। आप सब जानते हैं कि यहां पे कॉलेज चालू हो गया, उसकी स्वीकृति आ गई, कॉलेज चालू हो गए, कक्षाएं चालू हो गई। और आपको खुशी होगी कि इस कॉलेज के लिए यहां पे लगभग 16 एकड़ जमीन कलेक्टर ने आवंटित कर दी है।